हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का टेबल बना के देखने वाले हैं। हम देख लेते हैं इस टेबल में ऐसा क्या अलग है। तो आप देखिए कि इस टेबल में हमारे पास ये दो हेड है, मतलब दो हेड है, नेम, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, और नेम के दो सब हेड हैं, फर्स्ट लास्ट, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट के दो सब हेड हैं, सब हेडिंग मतलब मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर, लोकेशन में दो सब हेडिंग है, सिटी स्टेट। आप और भी ट्रायल कर सकते हैं, तीन सब हेडिंग दे सकते हैं। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, हम रीडिंग देते हैं लीस्ट हेडिंग, लीस्ट रीडिंग, मैक्स रीडिंग, एट्सेट्रा। तो अब हम ऐसा टेबल बना के देखते हैं, आप इसमें कोई भी ट्रायल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डॉक टाइप लिख लेते हैं, डॉक टाइप HTML, HTML टैग, HTML क्लोजिंग टैग, और जैसा कि हमने पहले भी सीखा है, हेडिंग टैग, हेड टैग, हेड क्लोजिंग टैग, बॉडी टैग और बॉडी क्लोजिंग टैग। तो ये HTML के दो चाइल्ड टैग हैं, और हेड में आप जो भी चाहें अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पहले सीख चुका है। तो बॉडी टैग में सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना है, टेबल टेबल क्लोजिंग टैग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने टेबल में सीखा है कि हम टी आर बनाते हैं, और टी आर क्यों बनाते हैं ये हमने देख चुका है। टी आर में हमने अभी तक जो सीखा है वह है टी डी टैग। टी डी में हम दे देते हैं सबसे पहले नेम, कॉन्टैक्ट और यहाँ लोकेशन। आप और भी कुछ ट्राई कर सकते हैं यहाँ, जैसे कि ईमेल, एड्रेस या कुछ भी। तो इसे एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं, ये तो ये आपको दिख रहा होगा। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, ये एक टेबल की जैसे नहीं, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इस टेबल में एक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर वन, और टेबल का साइज भी बढ़ा देते हैं, विड्थ 80%, और इसे सेव कर देती हूँ मैं। इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये पूरे ब्राउज़र का 80% में स्ट्रेच हो गया है। आपके ब्राउज़र में कुछ ये छोटा दिखेगा क्योंकि मैंने इसे जूम कर रखा है, तो ये 80%। गाइस, अभी आपको ये जो ये डेटा है, नेम, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, ये बिल्कुल लेफ्ट से सटा हुआ दिख रहा है, ये तीनों चीज़। तो इसके लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं TH मतलब हेडिंग, वो एज अ हेडिंग दिखेगा, TH, यहाँ भी TH, TD की जगह हम इसमें TH लिख देते हैं, TH, और मैं इसे सेव करती हूँ और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे नॉर्मल TD और TH में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो ये सेंटर में शो हो रहा है और पहले से ज़्यादा बोल्ड शो हो रहा है। तो अब बात करते हैं जो हमें दूसरा हेडिंग बनाना है। दूसरा हेडिंग के लिए भी सेम हम TR बना लेते हैं, और यहाँ TH में फर्स्ट और लास्ट नेम देते हैं, पहले फर्स्ट फर्स्ट और यहाँ लास्ट, और कॉन्टैक्ट के लिए हम यहाँ मोबाइल और यहाँ व्हाट्सएप दे देते हैं, व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, और लोकेशन में दे देते हैं सिटी, और आप चाहें तो यहाँ दे सकते हैं एक स्टेट। और सेव करती हूँ मैं और यहाँ रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। अभी आपको ये टेबल कुछ गड़बड़ सा दिख रहा होगा। नेम आप चाहते होंगे कि नेम आपको ये फर्स्ट और लास्ट नेम तक पूरा दिखाई दे, और कॉन्टैक्ट मोबाइल से व्हाट्सएप तक, लोकेशन सिटी से स्टेट तक, स्टेट से सिटी तक। तो ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में। तो इसमें हमें कॉल स्पैन करना है, जैसा कि आपको पिछली वीडियो से पता है। तो हम नेम को कॉल कॉल मतलब हॉरिजॉन्टली स्पैन करेंगे। नेम को कितना करेंगे, टू, कि एक नेम खुद का और एक यहाँ का, दो स्पेस ले रहा है, इसलिए नेम को कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 दे देंगे। इसी तरह हम कॉन्टैक्ट के लिए भी करेंगे, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, और लोकेशन के लिए भी कर देते हैं, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, और मैं इसे सेव कर देती हूँ और रिफ्रेश करती हूँ। तो आप देखेंगे कि आपको ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें डेटा डालते हैं, TR, गाइज नॉर्मल डेटा के लिए आप TD ही यूज़ करिए, TD। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट नेम दे देना है, तो हम मैं कुछ भी नाम दे देती हूँ यहाँ, जैसे रोहन, लास्ट नेम भी में भी कुछ भी दे देते हैं, कुमार, और मोबाइल नंबर में भी कुछ भी लिख देते हैं अभी के लिए, ये, और
इसके बाद व्हाट्सएप नंबर और स्टेट, स्टेट में मैं एमपी दे देती हूँ और सिटी में जबलपुर लिख देती हूँ। और इसी को कॉपी करके मैं कुछ और डेटा इसमें डाल देती हूँ, पेस्ट पेस्ट। यहाँ इसमें कुछ भी नाम दे देते हैं, टॉम क्यू, और ये इसमें नंबर यूपी, और यहाँ मैं दे देती हूँ कानपुर सिटी में, और यहाँ जबलपुर की जगह मैं सतना दे देती हूँ, और यहाँ नंबर, और यहाँ भी फटाफट जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं, रोहन सिंह यहाँ नाम रोहन, और उसे सेव कर देती हूँ। अब अपन इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये आपको डेटा दिखाई दे रहा है। तो गाइस अब हम बात करेंगे फूटर की। तो फूटर में भी हम पहले तो डेटा दे देते हैं, इसके लिए भी टी आर टी डी, और यहाँ जैसे कि मैंने दे दिया फर्स्ट सेमेस्टर मार्क्स, सेकंड, और यहाँ थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर, और ये फिफ्थ सेमेस्टर, तीन, और एक और दे देती हूँ सिक्स सेमेस्टर, सिक्स। अब इसके मार्क्स भी दे देते हैं जल्दी से, इसे मैंने कॉपी कर लिया और ये पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ टीडी में कुछ मार्क्स दे देते हैं, 67%, और यहाँ 45%, और 65%, 78%, 98%, और ये 66%। एक बार इसे अपन रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये आप देखेंगे कि आपको ये टेबल प्रॉपर शो हो रहा है जैसा कि हमने देखा था। पर एक चीज और, हमारे पास तीन टैग हैं, टी हेड, टी बॉडी और टी फूट। तो जो हमारे जितने भी हेडिंग टैग रहते हैं, टी एच जिसके अंदर हमने लिखा है, उसे एक टैग के अंदर रैप कर देते हैं, टी हेड के अंदर, ताकि इसमें CSS और JavaScript अप्लाई करना इजी हो जाए। वो आप उन वीडियोस में सीखेंगे। तो ये मैंने टी हेड के बाद आप टी फूट लिखिए, भले ही आपने टी हेड के बाद वो लिखा है, पर टी फूट हमेशा आखिरी में ही दिखाई देगा। तो यहाँ से मैं ये टी फूट वाला जो आइटम है, इसे मैंने कट किया और यहाँ ऊपर टी हेड के नीचे इसे पेस्ट कर लेते हैं। पहले तो मैंने यहाँ टी बॉडी बनाया, टी बॉडी और टी बॉडी क्लोजिंग, और इसके अंदर ये पेस्ट कर लिया, टी फूट। टी हेड के बाद आपको टी फूट बनाना है। ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, आप और कुछ भी ट्राई करेंगे तो शायद हो जाए, पर आपको ऐसा प्रॉपर कन्वेंशन लिखना चाहिए सब कुछ। तो और जो नॉर्मल कंटेंट है उसे हम टी बॉडी के अंदर लिख लेंगे, ये टी बॉडी और टी बॉडी क्लोजिंग। इससे आपको यहाँ कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा, पर वो आपको CSS और JavaScript अप्लाई करने में इजी होगा। अब एक बार हम इसमें थोड़ा CSS अप्लाई कर लेते हैं। CSS के लिए हालांकि अलग फाइल्स बनानी चाहिए, पर इसमें हम कुछ स्टाइल अप्लाई करके देख लेते हैं। इसके लिए आपको हेड के अंदर एक टैग के बारे में जानना होता है, स्टाइल, और ये स्टाइल, स्टाइल के अंदर आपको टैग में देना है टी हेड, बैकग्राउंड कलर। मैं टी हेड का कलर, बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ कुछ, ये आप एक बार इसे रिफ्रेश करके देखिए, ये, और यहाँ टी बॉडी का भी दे देते हैं, टी बॉडी, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ का इस सेमी कॉलन आखिरी में लगा दीजिएगा। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, पर इसके आगे जब आप कोई CSS लिखेंगे तो उसमें गड़बड़ आ सकती है। तो यहाँ मैंने टी बॉडी में भी कोई कलर दे दिया, ये, और टी फूट में भी दे देते हैं बैक
ग्राउंड कलर, और यहाँ भी कुछ कलर दे देते हैं जैसे कि ये। अब मैं इसे सेव कर दी और इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये आप देखेंगे कि आपका टेबल बन गया जैसा कि आप चाहते थे। आप इसमें और भी बहुत सारे ट्रायल कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टाइल टैग के ये नहीं समझ में आया है तो इसके बारे में मत घबराइए। ये CSS वैसे भी हमें इसमें नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें अलग CSS सीखना चाहिए और उसे अलग फाइल में लिखना चाहिए सबके लिए। तो ये गाइस बात थी एक प्रॉपर टेबल जिसमें मल्टीपल हेडिंग और फूटर बना सकते हैं। अगर आपके पास कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पास आपके बहुत सारा प्राइस दिया होता है और आपको यहाँ सिर्फ टोटल दिखाना होता है और यहाँ खाली रहता है, तो इसके लिए आप कॉल स्पैन कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका कॉल स्पैन आप 6 कर सकते हैं और ये सबको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, तो आपको वैसा दिख जाएगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है या आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स इसे इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ में भी आएगा और हमेशा याद भी रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।